नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। कार्यस्थल पर किए जाने वाली चेयर योगाभ्यास का किया सामूहिक अभ्यास। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को किया सम्मानित। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने ध्वजारोहण किया, जिसके पश्चात राष्ट्रगान हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि जिस आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर जवानों ने यातनाएं झेली, संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सपनों को पूरा करने एवं देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का संकल्प लेने का उत्सव है। ये मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर वीरंगनाओं को सादर नमन है। इस अवसर पर सैनिक जीवन पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की योग सहायक श्रीश्यामलाल, BNYS के छात्र पवन, लक्षित प्रदीप, चंद्रपाल, जयश्री भाविका व तेजपाल ने भाग लिया। विश्वविद्यालय में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले शैक्षणिक संकाय सदस्य डॉक्टर विजय पाल त्यागी, रसायन शाला निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार राय, प्राचार्य BSc आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, द्रव्य गुण विभाग के डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपुरोहित, निदेशक पुस्तकालय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, विश्वविद्यालय संपदा अधिकारी श्री अमर सिंह, नर्सिंग कर्मी श्रीमती सीमा परमार एवं कर्मचारी श्री भिया राम को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कुलसचिव सीमा कविया, प्राचार्य निदेशक PGI प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, प्राचार्य होम्योपैथी महाविद्यालय सहित आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय के संकाय सदस्य, छात्र छात्राएं, स्नातकोत्तर अध्येता एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बधाई। इस डायमंड जुबली ईयर का सेलिब्रेशन आने वाले सालों में हम सब लोगों को एक नया उत्साह प्रदान करेगा, ऐसा हमारा मानना है। इस आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में नित नए नए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके कारण जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मास्टर हो रही है, उसका भी हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में हम और अधिक कार्य को कर समाज के लिए अपने देश का नाम उत्थापित करें, ऐसी हमारी मंशा है। और इसमें हमारे जितने भी शिक्षक, जितने भी हमारे कर्मचारी, जितने भी हमारे छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों का सुस्वागत, और आशा करते हैं कि ये साल हमारे सभी के लिए और अच्छा गुजरे, किसी भी प्रकार के कष्ट में न हो, ऐसी हमारी मंशा है। इसमें आप सभी लोगों का धन्यवाद।